नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संतुलन बनाने की राशि, संतुलन बनाने का आपको जो जिम्मा मिला है। तुला राशि ज्ञान की राशि है, तुला राशि न्याय की राशि है। ज्ञान की राशि की अपेक्षा हम कहें न्याय की राशि है। भाई शनि को आप उच्चता प्राप्त करते हो, और जो घमंड में है ना सूर्य नारायण, युगों के साथ चलने वालों को नीचता दे देते हो। तो आप लोग न्याय करने के लिए बने हो। तो आप चाहे स्वाति में हैं, चाहे विशाखा में हैं, चाहे चित्रा के दो चरणों में हैं, आप तुला राशि में हैं। सदैव आप जीवन को अपने समझना हो ना मित्र, तो नक्षत्रों को जरूर देखिएगा। आप अपने देखिए, आप चित्रा में पैदा हुए हैं तो क्या क्या प्रभाव होगा, स्वाति में है तो क्या क्या, और विशाखा में है तो क्या। नक्षत्र आपके अंदर की चीज़ों को खोल कर रख देते हैं, तो नक्षत्रों को ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। आपका जीवन आपको समझ में आ जाएगा। हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप जाकर देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे डे टू डे आप प्रेडिक्शन ले लीजिए, मतलब 2 तारीख से लेके और 8 तारीख तक कैसा जाने वाला है यह सप्ताह, जून का प्रथम सप्ताह। तो आरंभ करें, उसके पहले आप प्रारंभ करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। तो 2 तारीख नक्षत्र तो अच्छा आ रहा है, लेकिन यहाँ नक्षत्र आ कहाँ रहा है, सदैव याद रखिएगा कि किस पार्ट को लेके आ रहा है। तो ये कह रहा है कि हम शत्रुओं से मुक्ति दे देंगे, परेशानियों से मुक्ति दे देंगे। तो यह आपके लिए उद्यम करने का दिन है। उद्यम करोगे तो शत्रुओं से भी लाभ ले सकते हो, परेशानियों से लाभ ले सकते हो, मेडिकल से छुटकारा, परेशानी से दूर जा सकते हो। तो यह दिन इस तरह की चीज़ों में धनार्जन का दिन है, दूर जाने का दिन है। थोड़ा कहीं ना कहीं चूँकि राहु के साथ रहोगे तो राहु मन को खींचता है, कर्म भाव पे प्रभाव डालता है, ठीक है, लेकिन चीज़ें फिर भी बेहतर है। 3 तारीख का जो दिन है निश्चित रूप से गति के साथ काम करने का है। इस दिन एनर्जी लेवल आपकी हाई होगी, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। आप बेहतर कर रहे हैं, क्या बेहतर करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई संदेह ही नहीं है। कर्म प्लेस पे मतलब वर्किंग प्लेस पे आपका बेहतर काम होगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा ईगो मत टकराइएगा। एक शब्द है ना, एक भगवान जी की हम पूजा करते हैं जिनका नाम है हनुमान जी, हनुमान, ठीक है ना। मान को जो हनु कर दे, मान को कूच दे, मान सम्मान को पीट दे, फिर वो क्या है, परमात्मा के गले का हार बन जाता है। फिर परमात्मा भरत सम प्रेम करते हैं, ठीक है, बोलते हैं तुम मेरे भरत भाई जैसे हो और तुम्हारे लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। तो अगर आप ईगो को अपने, मैं नहीं कहता आत्मसम्मान को मत मारिए, लेकिन ईगो जो है ना टकराने दीजिए, बेहतर परिणाम देगा। 4 तारीख बढ़िया है, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ति होंगी। जीवन साथी से निश्चित रूप से आपको सपोर्ट मिलेगा, हर तरह से सपोर्ट मिलेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बेहतर है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से 3-4 दोनों दिन बेहतर है। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इंद्रजनित सुखों की प्राप्ति हो रही है, लोग आपको प्रेम, लोग आपको स्नेह इस दिन अवश्य देंगे। 5 तारीख मन थोड़ा भटकेगा, लेकिन आर्थिक रूप से आप देखें तो ठीक रहेगा, आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। ससुराल वालों से रिश्ता थोड़ा बना के रखेगा, ससुराल के लोग ऐसी कुछ बातें करेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन चीज़ें ठीक रहेंगी। छः तारीख बट सावित्री व्रत है, कौन सा व्रत है, बट सावित्री व्रत है। इस दिन थोड़ा सा ध्यान में जाने का है, आप अष्टम भाव में हैं, अष्टम भाव आपके लिए गहराई से ऊंचाई पकड़ने का है, साधना का है, साध ले जाइए। इस दिन थोड़ा सा अपने जीवन साथी के प्रति उदार रहना, जीवन थोड़ा क्यों, जीवन साथी के प्रति उदार नहीं रहोगे तो किसके प्रति उदार रहोगे। तो सदैव जो आपके लिए करते हैं बैकबोन है भाई आपके, तो इनके लिए उदार रहिए और इनके लिए शुभ भावनाओं के साथ प्रेयर करिए, इनका जीवन भी बेहतर होगा, क्योंकि इनका बेहतर होगा तो आपका बेहतर होगा। तो बट सावित्री व्रत है, इस दिन कथा ये कहती है कि सावित्री जी ने यमराज जी से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। तो आप अपने जीवन साथी के लिए कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी लिंग में हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। 7 तारीख अच्छा है, अगल बगल की न्यूज़ लेंगे और एनर्जी लेवल हाई रहेगा, धनात्मक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, ठीक है, और भाग्य की वृद्धि हो रही, मतलब भाग्य से जो काम चाहिए आपको भाग्य सपोर्ट करेगा। छोटी सी
धार्मिक यात्रा बन रही है इससे, तो करिए धर्मो रक्षति रक्षिता, अपने बच्चों के साथ घुमाइए, मन भटकेगा, एक जगह कंसंट्रेट नहीं होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर रहेगी, लेकिन फिर भी धर्म स्थान पर जाओगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त करोगे। 8 तारीख बढ़िया है, आर्द्रा नक्षत्र है, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र आपके नवम भाव में है, राहु आपके नवम भाव में है, राहु आपके लगन में है, राहु आपके पंचम है, तो राहु आपको बुरा नहीं देंगे, बस राहु की चीज़ों को समझना है, राहु की एनर्जी को कंट्रोल करना है, राहु यदि खराब हुए तब तो प्रॉब्लम होगी, राहु आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाने वाले हैं, इसलिए तुला वालों को, मिथुन वालों को, कुंभ वालों को भाई राहु को संभाल के रखिए, राहु संभाल के रखोगे तो सब कुछ संभल जाएगा, तो यह दिन भी बेहतर है और स्टार्ट करें उसके पहले राहु का कुछ मंत्र का जाप करके दिन का स्टार्टिंग करिए, निश्चित रूप से दिन बेहतर जाएगा। राधे।